हे फ्रेंड्स, आज हम टेक्सचर बेस बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पहले एक्रिलिक वॉल पुट्टी और ये फैब्रिक कलर्स हैं, और हमें चाहिए होगा पैलेट नाइफ। तो सबसे पहले हम वॉल पुट्टी को एक बोर्ड पर निकाल लेंगे, और इस बोर्ड पर निकालने इस पर आप थोड़ा थोड़ा करके ही निकालें, एकदम से ज़्यादा ना निकालें, और क्योंकि ये जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा निकालेंगे जितना हमें यूज़ होगा, और इसे मैंने दो पार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इसमें कलर ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी जिससे इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। बहुत अच्छे से इसको मैंने स्मूथ कर लिया है। इसमें अब मैंने थोड़ा ग्रेनुलेटेड इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा वाइट सैंड ऐड किया है, और इसको वाइट सैंड ऐड करने के बाद मैं इसे फिर से अच्छे से मैश कर लूँगी, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कलर। तो ये कलर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे अपने MDF पर अप्लाई करूँगी। तो मैं पैलेट नाइफ का यूज़ करके इसे MDF पर अप्लाई कर लूँगी। इसमें टेक्सचर देने के लिए मैंने सैंड का यूज़ किया है। आप बिना सैंड के भी इसमें टेक्सचर दे सकते हैं पैलेट नाइफ़ का यूज़ करके। तो मैं इस तरह से चारों तरफ से इसमें लगा लूँगी। इसमें सैंड ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ जाता है, एक ग्रैनुलेटेड इफ़ेक्ट आता है आपके बेस पे ड्राई होने के बाद। अब इसे चारों तरफ से, मेरा MDF थोड़ा बड़ा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं इसमें बर्न सियेना, बर्न अम्बर कलर ऐड करके अब दूसरा इसको शेडिंग इफ़ेक्ट दूंगी। मैं इसे इस तरह से इसके नीचे अप्लाई करके इसमें इसे मर्ज कर लूँगी। अब आप इसके ऊपर अपना कोई भी स्कल्पचर आर्ट या कोई भी टेक्सचर आर्ट के फ्लावर्स वगैरह, आप कुछ भी इसके ऊपर बना